क्या आपको चलते चलते घुटने में दर्द या सीढ़ियां उतरते चढ़ते आपके घुटने के सामने वाले हिस्से में दर्द शुरू होने लगता है? आजकल बहुत छोटी उम्र में ज्वाइंट्स का पेन यानी कि जोड़ों का दर्द शुरू होना काफी आम बात है। फ्रेंड्स, मैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हेमलता, नमस्कार। जून फिजियोथेरेपी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यंग पैरालाइज्ड पेशेंट पूछते हैं, क्या हम अपने इंडिपेंडेंटली सारी एक्टिविटीज कर पाएंगे? इवन रनिंग, जॉगिंग वगैरह भी काफी हद तक कम एज के पेशेंट की पॉसिबल हो जाती है। लेकिन जब वो एक्सरसाइजेस करते हैं तो बिना किसी कारण के उनके घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। उस तरह के पेन को हम किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं? कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करके अपनी नी और हिप की मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ताकि वो लोग भी अपनी दोबारा से अच्छे वाली जिंदगी शुरू कर सकें और इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकें? उनका भागना दौड़ना, ऊबड़ खाबड़ जगह पे चलना, स्टेयर्स अप डाउन करना, वन बाय वन स्टेयर्स को चढ़ना और तेज तेज कदमों से चलना, ये सब कुछ पॉसिबल हो सके। ये वीडियो हमारे यंग पॉपुलेशन के लिए काफी यूजफुल है, चाहे वो स्ट्रोक के रिकवर्ड केसेस हैं या फिर नॉर्मल वैसे ही आपको यंग एज में इस तरह की घुटने की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। इन एक्सरसाइजेस को करके अपनी एक्टिविटीज को काफी हद तक नॉर्मल बना सकते हैं। इस वीडियो में हम बेसिकली लोअर लिम की स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस दोनों लेकर आए हैं। आप जब एक्सरसाइजेस करते हैं तो पहले वार्म अप जरूर कीजिए। वार्म अप के तरीके आपके लिए अलग अलग हो सकते हैं। किसी के लिए साइकिलिंग है, किसी के लिए जॉगिंग है, किसी के लिए रनिंग है, किसी के लिए कुछ और छोटी मोटी एक्सरसाइजेस हैं, तो वो करके आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जरूर कीजिए और उसके बाद ही आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करें। वार्म अप के बाद आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपकी मसल्स काफी रिलैक्स हो जाते हैं और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस में किसी तरह के खिंचाव की गुंजाइश नहीं रहती, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम दोबारा से आने की गुंजाइश नहीं रहती और आप इजीली पेन फ्री कंडीशन में एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। जब हेमिप्लेजिक पेशेंट रिकवर करके अपनी सिक्स्थ और सेवेंथ स्टेज पर पहुंच जाते हैं और उसके बावजूद भी वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते, मींस कुछ कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से जब वो इंडिपेंडेंटली जॉगिंग, रनिंग, वॉकिंग नहीं कर पाते हैं, तो ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस उन पेशेंट की काफी हेल्प करेगी दोबारा से उनकी रनिंग और जॉगिंग एक्टिविटीज को स्टार्ट करने में। और आप स्टेयर क्लाइंबिंग भी वन बाय वन इजीली चढ़ सकते हैं, बिना किसी घुटने के दर्द के रह सकते हैं। और जब आपको एक्सरसाइजेस करते हुए, खासकर डीप स्क्वेट्स करते हुए, मींस जब आप पूरा नीचे उकड़ू बैठने की कोशिश करते हैं और उसको बार बार अप डाउन करते हैं और उस टाइम पे आपके घुटने में काफी दर्द शुरू हो जाता है, तो उस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए ये एक्सरसाइजेस आपकी काफी हेल्प करेंगे। सबसे पहले हम कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करेंगे जिसमें हम लोअर लिम की मसल्स को स्ट्रेच करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। इसके लिए आप अपनी मसल्स की टाइटनेस के अकॉर्डिंग लेवल चूज करेंगे। अगर आपकी मसल्स ज्यादा टाइट हैं तो लो लेवल पे स्ट्रेच करें, अदरवाइज अच्छे से रिलैक्स हो गई हैं आप और ज्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं उसको, बहुत ज्यादा स्ट्रेच महसूस नहीं कर सकते तो हाइट को रेज करके आप स्ट्रेच कर सकते हैं इस तरह से, और आप टोज को भी अंदर खींच के और एक्स्ट्रा स्ट्रेच दे सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे काफ मसल स्ट्रेचिंग। काफ नी के नीचे वाली पीछे वाली मसल्स, इस तरह से आपको दीवार से दूर खड़े हो जाना है। एक आगे वाले घुटने को थोड़ा सा मोड़ के रखना है और पीछे वाले घुटने को बिल्कुल सीधा रखना है और हील को आपने टिकाए रखना है, हील को रेज नहीं होने देना। दोनों पैरों की काफ मसल्स को इक्वली स्ट्रेच करना है। अब हम स्ट्रेच करते हैं क्वाड्रिसेप मसल्स।
ये थाई के फ्रंट वाली मसल है, नी के ऊपर वाली मसल। अब आईटी बेंट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। पेटला हमारी नी के सामने वाली बोन है, जिसको आम भाषा में पाली भी बोलते हैं। इसकी मोबिलाइजेशन बहुत सीवियर पेन से इमीडिएट राहत दिलवा देती है। So this is step down exercises. इसे मेक श्योर कि ये नी प्रॉपर चैनल में जाए, सिंपल जाए और सिंपल वापस आना है। ये एक ट्रैकिंग में जाएगा और वापस आएगा, इसमें ये कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर ये ज़्यादा इंस्टेबिलिटी होती है तो ये गलत है, ये आपको स्टॉप करना है, कोई इंस्टेबिलिटी नहीं होनी। स्टेप डाउन करते हैं, इसका प्रोग्रेशन स्टेप अप और स्टेप डाउन का दोनों में ये है कि आप अपने स्टेप की जो हाइट है वो बढ़ा सकते हैं। सिंगल लेग रेजिस्टेड स्टेप डाउन, थेराबेंट या रेजिस्टेंस बेंड, ज्यादा स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए और बैलेंस बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। इसके प्रोग्रेशन के लिए हम सिंगल लेग में जब स्टेप डाउन करेंगे तो वी कैन होल्ड slowly, we can do it and we can hold for about 5 seconds and make sure ki apna knee andar na jaye, we still have a good outward movement of the knee, neutral movement. Single leg step jump, aap apni step ki height bada sakte hain ये करते हो तो ये मिमिक करेगा आपकी रनिंग एक्टिविटी। जब रनिंग में फुट लैंड करता है तो एक पैर आपका हवा में होता है, तो उसके मिमिक करेगा उस एक्टिविटी को। सिंगल लेग जंप फ्रॉम अ स्टेप विद रेजिस्टेंट बैंड, ट्राइज अगेन। स्क्वैटिंग एक्सरसाइजेस करते हुए अगर आपको भी नी में पेन आता है तो इसका मतलब आप अपने घुटनों को टोज से आगे लेकर जाते हैं। जब आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं, मींस डीप स्क्वैट करते हैं, पहली बात तो जब तक आपके नी प्रॉपर स्ट्रेंथन नहीं होते तब तक आपको डीप स्क्वैट्स को अवॉइड करना है और नी को टोज से पीछे रखना है। आप सबको एक्सरसाइज करते हुए एक ध्यान रखना है कि जब आप एक्सरसाइज प्रोग्रेस करते हैं, मींस एडवांस लेवल की एक्सरसाइज करते हैं, तो आपकी पहले स्टेज वाली एक्सरसाइजेस काफ़ी कंफर्टेबल होनी चाहिए, मींस आप पहले उसके मास्टर होने चाहिए, तभी आप एडवांस लेवल की एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज आपको दिक्कत बढ़ सकती है। जो हमने पिछला सिंगल लेग स्क्वाट किया था ये उसका प्रोग्रेशन है। हम वेट लेके हाथ में और फिर करेंगे इसको पिवट बना के उसको। तो सिंगल लेग स्क्वाट, ज़्यादा नॉबलिंग नहीं होनी चाहिए, मेक श्योर यू डू इट स्लोली ग्रेजुअली। इसको डिफिकल्ट करना है तो वी कैन होल्ड फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड देन कम। इस तरीके से अब हम मूव करेंगे अपनी एडवांस रिहैब में, जिसमें कि एक्सरसाइजेस काफ़ी डिफिकल्ट, काफ़ी रेजिस्टेड हो जाएंगी। सो हम एक्सरसाइज करेंगे अब शुरू, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट होंगी, तो यू मेक श्योर कि आप किसी के सुपरविजन या गाइडेंस में करें। लेग स्क्वाट विद रेजिस्टेड बैंड, इसको अगर डिफिकल्ट करना है तो वी कैन होल्ड
फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड वेन इंक्रीज द होल्ड एंड वी कैन ऑल्सो टेक इसमें एक्स्ट्रा वेट लेके एंड देन वी कैन एड इट. During all the stages, ये एडवांस एक्सरसाइजेज थे कुछ हमने बताई. इसके अंदर सारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज कंटिन्यू होंगी. जो प्रीवियसली एक्सरसाइजेज है जो हम इस एडवांस स्टेज में होंगे वो भी हम करते रहेंगे. अपनी मोबिलाइजेशन ऑफ द पेटेला भी करते रहेंगे और इन बिटवीन हम इसके ऊपर आइस पैक्स वगैरह भी लगाते रहेंगे. तो हमने आपको वेरियस एक्सरसाइजेज बताई. हमने बिगिन किया ईजी एक्सरसाइजेज से, धीरे धीरे उनको डिफ़िकल्ट कर दे गए. लेकिन इसमें यह हो सकता है कि आपकी एक्सरसाइजेज किस लेवल पे आपको स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है, ये डिपेंड करता है आपकी एग्जिस्टिंग कंडीशन क्या है. इसका बेस्ट ट्रीटमेंट ये होता है कि इसको प्रिवेंट किया जाए. जितनी जल्दी आप इस प्रॉब्लम को रिपोर्ट करेंगे उतना जल्दी इसका रिहेबिलिटेशन होगा. तो इसका बेस्ट ट्रीटमेंट है इसका प्रिवेंशन. बायोमैकेनिकल फोर्सेज को अवॉइड करना है, अर्ली रिपोर्ट करना है. जैसे ही आपको प्रॉब्लम शुरू हो आप इसको रिपोर्ट करें और अपनी एक प्रोटोकॉल को फॉलो करें जो आपको एडवाइस की गई है. ज़रूरी नहीं कि हमने जो बिगिनिंग में एक्सरसाइज की आप वहीं से स्टार्ट करें. आप डायरेक्टली अगर आपकी कंडीशन ज़्यादा वर्स नहीं है तो आप एडवांस स्टेजेस की एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं. इसके लिए ये भी ज़रूरी है आप किसी थेरेपिस्ट हेल्थ प्रोफेशनल से कंसल्ट करें, क्योंकि काफ़ी जगह आपको मुश्किल होगा ये फाइंड करने में कि ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है और इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा कि ये सिर्फ पिटेलोफेमोरल पेन ही है या कुछ साथ में दूसरी भी लिगामेंटल इंजरी है. तो इसके लिए आप कंसल्ट डेफिनेटली करें किसी थेरेपिस्ट से और आइडेंटिफाई करें कि आपके लिए कौन सी एक्सरसाइज बेस्ट आपको सूट करेंगी. अदरवाइज आप अपनी ही कंडीशन को खुद ट्रीट करने की बजाय इसको थोड़ा वर्सन कर सकते हैं, ये आपके लिए और भी मुश्किल हो सकती है. तो मेक श्योर कि आप एक्सरसाइज थोड़ा वाइजली चूज़ करें. जो डिफ़िकल्ट लग रही हैं उनको आप सुपरविजन में करें और फिर भी आपको अगर पेन बढ़ रहा है तो आप रिपोर्ट करें, थेरेपिस्ट के पास जाएं और उनके एडवाइस के साथ अपना ट्रीटमेंट चेंज करें. आपके फ्रंट ऑफ द नी में पेन होता है तो आप इंश्योर करें कि आप एक थेरेपेटिक एडवाइस ज़रूर लें, जिसमें कि आपकी असेस किया जाएगा आपका हील स्ट्राइक पैटर्न कैसा है, आप किस तरीके के मॉडिफाइड शूज़ पहनते हैं, आपका कैडेंस कितना है. हमने पहले भी बताया था कि कैडेंस होता है कि आप एक मिनट में कितने स्टेप लेते हैं. जितना ग्राउंड कांटेक्ट कम टाइम के लिए रहता है उतनी स्पोर्ट्स इंजरीज, रनिंग एसोसिएटेड इंजरीज कम होती है रनिंग वाली. और आप उस टाइम पे डाउन हिल रनिंग, नीचे की तरफ झुकाव वाली रनिंग ना करें, एबनॉर्मल सर्फेस पर रनिंग ना करें और हार्ड सर्फेस पर रनिंग ना करें. तो ये सब एडवाइस आपको ट्रीटमेंट के असेसमेंट के टाइम पर ही दी जाएगी. हेंस ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा. आप इसको अपनी कम्युनिटी, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली में शेयर करें. इफ़ यू फाइंड एनीवन जिसको कि ये प्रॉब्लम हुई है, इन केस आपको कुछ मॉडिफिकेशंस वगैरह की ज़रूरत है एक्सरसाइज प्रोग्राम में, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं. हम आपके कमेंट्स को ज़रूर पढ़ेंगे और उस पर रिप्लाई करेंगे. आई होप आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी. तो आप इसको अपने सराउंडिंग में शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स में इसको आप स्प्रेड करें. इसकी अवेयरनेस ही इसकी ट्रीटमेंट है. थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो.